सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूर सीसेट एग्जाम और यू कैन से जीएस पेपर टू। तो स्टूडेंट, आज का मेरा माइक्रो लेक्चर नंबर 23 है और बहुत आज बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करने वाला है। क्वेश्चन है मेरे पास 2022 का, क्लियर है। अब देखें जरा, पहले समझिए बात को। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने किसी चीज़ किसी की वैल्यू 10% 2 साल बढ़ाई, तो आप क्या बोलोगे? 10% इंक्रीमेंट इन 2 ईयर्स, है ना। तो आप क्या करेंगे, 100 थी, इसका 10% बढ़ाइए स्टूडेंट, 1 2 10 हो गया। फिर इसका मैं 10% बढ़ाऊंगा तो ये 11 बढ़ेगा, तो कितना हो गया, प्लस 11 यानी 121, यानी आप अल्टीमेटली क्या होगा कि 100 की वैल्यू 121 हो गई है। या एक और तरीका मेरे पास है, इससे ब्रिलियंट तरीका, वो क्या, देखो कि 10 थी वैल्यू 11 हो गई, 10 थी वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, यानी जो 100 वैल्यू थी वो मेरे पास क्या हो चुकी है, 121 हो चुकी है। एग्जैक्ट इट, यस, ये मेरे पास 100 से वैल्यू 121 और ये भी 21, क्योंकि यहाँ पर जब मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो बड़ी सारी आपके पास कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत पैदा हो सकती है, कि जब मैंने 16 2/3% बोल दिया, 42 2/7% समथिंग कुछ बोल दिया, क्लियर। तो चलिए अब देखें जरा क्वेश्चन क्या, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिकेट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, यानी हर साल 10% से बढ़ रही है। तो 10% की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। इट वॉज परचेज 3 ईयर्स अगो, इट्स इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इतनी, तो परचेज प्राइस क्या होगा। देखो 10 साल पहले मैं बोलता हूँ इनिशियली ये थी और प्रेजेंटली ये, मतलब ये 3 साल पहले की जाएगी और ये अभी जो प्रेजेंटली है। पहली बार में डेप्रिशिएट हुई है तो 10 से 9 हुई है, ठीक है। सेकेंडली भी 10 से 9 हुई है मेरे पास, और थर्डली भी क्या हुई है, 10 से 9। मुझे कुछ नहीं सोचना, बस ईयर ईयर को कैलकुलेट करते जाइए, यानी तो 1000 वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी है, 729। इस 729 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 8748, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। तो इसको भी जब आप 12 टाइम्स करेंगे आंसर विल बी हाउ मच, 12,000, ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन जो आया था 2022 में हमारे पास, लगभग ऐसा क्वेश्चन था, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%। तो सबसे पहले 25% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/4, यानी जो 4 वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। देन प्राइस डिक्रीज बाय 20%, 20% की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1/5, यानी जो 5 वैल्यू है वो 4 हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक दूसरे को 0 बना देती है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। और 10% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/10, अगेन इंक्रीज बाय 10 से 11, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये क्या बनेगा, बेसिकली 10 × 5 × 4, 11 × 5 × 4। तो जो वैल्यू मेरे पास 10 थी, फाइनली कितनी हो चुकी है, 11। क्या बोल लेंगे भाई, 1 का इंक्रीमेंट कितने पे, 10 पे, इंटू 100%। और ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मुश्किल क्वेश्चन ही आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं बट उनको पहचानना पड़ता है मुझे, क्लियर। तो दैट वाज वेरी मास्टर क्लास क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन यहां करवाएं वैसे माइक्रो कोर्सेज में करवा रखें, फटाफट मैं माइक्रो कोर्सेज के बारे में बता दूं आपको, ठीक है। चलिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। चलिए, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, यानी बीबीडीए माइक्रो कोर्सेज, देखिए चूज एग्जाम करेंगे, यहाँ पे आएगा सिविल सर्विसेज सेट, ठीक है। स्टूडेंट्स सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ मिलेंगे, यहाँ वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ पे अभिपीडिया स्मॉल कोर्सेज, यानी हमारे अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। लॉग इन कीजिए, आपको फ्री माइक्रो कोर्स मिल सकता है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ। चलिए, जैसे मैं मैथ और मेंटल एबिलिटी की बात करूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, स्पेशली मेरे पास ऐसे नंबर सिस्टम है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए माइक्रो कोर्सेज में, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्या प्रीवियस है उसके अवेलेबल है, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लिक करो, पहले जानो क्या नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट भी है जो हम करने वाले हैं, बिल्कुल जी इंपॉर्टेंट है। 2023 में 18 क्वेश्चन है, 22 में 10 क्वेश्चन है, 21 में 9 क्वेश्चन है, 20 में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन थे। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी एग्जाम में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक अकेले चैप्टर से या टॉपिक से मेरे पास 15-18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ट्राई नाउ करने में मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ अगर मैं ट्राई नाउ करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, देखिए देखो सी सेट, ठीक है, 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें मेरे पास थ्योरी भी कवर है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन है मेरे पास। वेब नोट्स क्या होते हैं, वेब नोट्स आपके पास, वो आपके पास नोट्स होंगे जिसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, है ना, डेफिनेशंस वगैरह हो सकती हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसमें। 441 एमसीक्यूज, इनको आप टेस्ट के तौर पे भी दे पाएंगे, जब जुड़ेंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन, और कितने का है, 365 दिन होते हैं, और सिर्फ कितने का, 355 रुपीज़ का, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखो सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज की बात करें, देखो परसेंटेज अभी हमने किया है, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया, 21 में 3 क्वेश्चन आया, 20 में 2 क्वेश्चन आया, क्लियर। तो ये चल रहा है, बस परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन आपके डीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आता है इसका, क्लियर।
इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ आपके पास लॉजिकल रीजनिंग भी और इसी तरह से इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी है। कॉम्प्रीहेंशन को फटाफट एक बार नजर मारें। देखिए कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, 368 रुपये का कॉम्प्रीहेंशन है और 65 रुपये का आपके पास क्या है यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, वर्ड बिल्डिंग एंटोनिम सिनोनिम। बिकॉज पैराग्राफ समझना इज अ टास्क, समझ आ गया फिर तो कोई भी आंसर कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या 23 में 26 क्वेश्चन, 22 में 27, 21 में 27, 20 में 25, तो लगातार बढ़ते क्रम में मेरे पास हैं और 26, 27 इतने क्वेश्चन हैं। 1/3 तो मुझे चाहिए, अगर इंग्लिश अच्छे से कर लो तो आपका सी सेट तो वहीं क्वालिफाई है। बच्चों की नेगेटिव मार्किंग होती है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करना अच्छे से बता रखा है। ऑलमोस्ट 1000 अराउंड क्वेश्चन हैं और आपका 5 से 6 इसमें लेक्चर्स हैं और सिर्फ कितने का 432 रुपीज़ का। क्लियर, तो यहाँ पे आप 10 का मोबाइल नंबर डाल के काउंसलिंग सेशन अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, कॉल में व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सारे के सारे हमारे कोर्सेज दे रखे हैं, यहाँ टेस्ट सीरीज दे रखी हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर के फ्री मेंटरशिप के लेक्चर्स हैं, आपको देखिए फ्री वार्म अप कोर्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर, और ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने नाम चमकाया अपना भी और हमारा भी। हम अगर नंबर वन है ना, आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ से इनकी वजह से आज हम नंबर वन है, बिकॉज ये सिलेक्ट हुए हैं। जैसे स्पर्श की बात करूँ 51 रहे, कर्णव की 56, जतिन 91, दिव्या 61, 38, 60 का था, अमीर का 154, और इन्होंने लिखा हुआ है कि क्यों अभिमन्यु आईएएस नंबर वन बना हुआ लगातार 25 साल से 2200 प्लस सिलेक्शंस के बाद। क्या लिखा है, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट दैट यू हैव ऑल पुट इन माई जर्नी। तो पूरी टीम का एफर्ट होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन एट अभिमन्यु आईएएस अंडर बंसल सर गिव मी रियल इनसाइट विच हेल्प मी टू परफॉर्म इफेक्टिवली, अमरिंदर सिंह ने लिखा है। क्लियर, तो बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप हो आपकी, चाहे गाइडेंस हो कुछ भी, सब यहीं क्लियर होगा प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो आईएएस बना के भेजेंगे, तो जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।